आजकल मोटापे से हर कोई परेशान है। जब हमारा शरीर मोटा होता है ना, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो बेली फैट है ना, वो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। लेकिन जब हम वजन को घटाना शुरू करते हैं, तो सबसे आखिर में जो हमारे बॉडी में पार्ट कम होता है वो बेली फैट ही होता है। क्योंकि पेट एक बार बढ़ जाए ना, तो उसको कम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो बेली फैट जो बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है ना, वो है गैस, एसिडिटी, कब्ज, ब्लोटिंग की परेशानी। अगर आपको ये सारी परेशानी है ना, तो जो आपको बेली फैट है ना, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ही कम होगा। तो इसके लिए ना, आपको खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना होगा, जिससे कि आपके पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज की परेशानी ना हो। जैसे कि अगर आप सुबह खाली पेट चाय पी रहे हैं, तो उसको पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आपको ब्लोटिंग की या फिर गैस की परेशानी है तो। यानी कि आप ब्रेकफास्ट के साथ तो चाय पी सकते हो, लेकिन सिर्फ खाली पेट एकदम से चाय नहीं पेट में डाल देनी है। उससे बहुत ज्यादा तेजी से पेट में गैस, एसिडिटी की परेशानी हो जाती है। और आपको गैस की या फिर एसिडिटी की परेशानी है ना, तो शाम को भी अगर आप चाय पीते हो ना, तो सिर्फ चाय का सेवन ना करें, उसके साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स भी ले, जिससे कि जो चाय है ना, आपको नुकसान ना करे। तो अगर आप भी तेजी से वेट लॉस करना चाहते हो, खास करके बेली फैट को कम करना चाहते हो ना, तो इसके लिए ना आप ये रेमेडी को पूरा ध्यान से जरूर देखिए, बिना स्किप किए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, उसके बाद उनको खुद कंफ्यूजन हो जाती है कि किस तरीके से हमें इसको लेना है, क्या करना है, कितनी क्वांटिटी में लिया है। इस चीज में उनको कंफ्यूजन हो जाती है, फिर वो सही तरीके से इस चीज को इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर उनको लगता है कि जो भी सारे रेमेडीज बताई जा रही है वो सारे बेकार है। बेकार बिल्कुल भी नहीं है। आप सही से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, जो जो चीज बातें आपको बता रहे हैं, जो जो चीजों की क्वांटिटी आपको बता रहे हैं, उसी तरीके से सेम तरीके से आप इसे फॉलो करें, और आपको खुद को बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा कुछ दिनों में। बस आपको ध्यान से वीडियो को पूरा फॉलो करना है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको रेमेडी बना के रख लेनी है, रेमेडी के साथ कई और भी इम्पोर्टेंट हम बातें आपके साथ शेयर करते हैं, उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रेमेडीज हम आपके साथ वही सारे शेयर करते हैं जो आपके किचन में मौजूद सामान होता है ना, उसी से शेयर करते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है तेजी से वजन कम करने के लिए। तो जान लेते हैं क्या क्या वो चीजें हैं जो हमारे किचन में मौजूद है, जिससे हमारा तेजी से वजन कम हो सकता है। तो सबसे पहला जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो है जीरा। जीरे की कई वीडियो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि वेट लॉस में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। सिर्फ वेट लॉस में नहीं, जैसे कि हमने कहा कि बेली फैट बढ़ने के कई कारण होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है गैस, कब्ज, एसिडिटी। तो जो जीरा है ना, वो गैस, कब्ज, एसिडिटी में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। इससे गैस की परेशानी दूर होती है, कब्ज की परेशानी दूर होती है। अगर एसिडिटी पेट में होती है, अगर सीने में, छाती में जलन रहती है, तो वो परेशानी इससे दूर हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा रहता है जीरा पेट के लिए। दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ। सौंफ भी हम आपके साथ कितनी बार शेयर कर चुके हैं कि ये वेट लॉस में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। वेट लॉस के साथ साथ ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जब हमारा पेट साफ रहता है ना, तो वैसे ही हमारे शरीर में मोटापा पनपता नहीं है। तो ये पेट को साफ रखता है, खाना जल्दी से डाइजेस्ट कर देता है, पेट की जलन, एसिडिटी की परेशानी को दूर करता है, कब्ज की परेशानी को दूर करता है। तो बहुत ही ज्यादा फायदे है इसके, स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो आप है ना, ऐसे भी कच्ची सौंफ भी खा सकते हो खाने के तुरंत बाद। अगर आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो सौंफ जरूर खाए, सौंफ का सेवन रोजाना जरूर करें। तीसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन। अजवाइन भी वेट लॉस में बहुत ज्यादा फायदा करता है। इससे बहुत ज्यादा तेजी से वेट लॉस होता है। वेट लॉस के अलावा गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कब्ज की परेशानी को दूर करता है। खाना तेजी से डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल है। तो देखा आपने, तीनों ही चीजें ऐसी है जो हमारे किचन में मौजूद रहती है, जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाती है, लेकिन सिर्फ खाने के स्वाद को ही नहीं बढ़ाती है। समझ लीजिए कि ये एक औषधि है, जिसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो ना, तो कई बीमारियों का इलाज है इसमें। तो ये तीन चीजें हमने आपको बता दी है। बाकी जो दो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे ना, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी हमने आपको किसी भी चीज की क्वांटिटी नहीं बताई है, लेकिन क्वांटिटी भी आपको आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम गैस पर बर्तन में लेंगे 2 चम्मच अजवाइन। अब चम्मच देख लीजिए, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं ना, वही चम्मच ले रहे हैं। ऐसी चम्मच हर किसी के घर में होती है। मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर किसी के घर में नहीं होती है। 3 चम्मच हम लेंगे जीरा, तो उसी चम्मच से ले रहे हैं जीरे को भी।
तो बस ये आपको ना क्वांटिटी को ध्यान रखना है। अगर आप इससे ज्यादा मात्रा में बना के रखना चाहते हैं ना पाउडर को, तो इससे ज्यादा मात्रा में बना सकते हो, बस क्वांटिटी इस तरीके से ही आपको लेनी है। 3 चम्मच डाल देंगे सौंफ। सौंफ है ना, यहाँ पे आपको मोटी वाली लेनी है, जो एक आती है ना मीठी वाली सौंफ, वो वाली सौंफ नहीं लेनी है, वो छोटी साइज की होती है। तो ये सभी चीजों को ना हमें लो फ्लेम पर भुनना है, कि सारे इंग्रेडिएंट्स को ना भुनना जरूरी है। एक तो इसका मॉइस्चर हमें खत्म करना होता है, दूसरा भूनकर लेने से ना ज्यादा फायदेमंद रहता है और इसे लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हो, खराब नहीं होता है। तो ये सभी चीजों को ना हमें बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, इसीलिए लो फ्लेम पर ही चलाते हुए इसको भुनना है, क्योंकि भुनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट काफी है इसको भुनने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब आप वेट लॉस कर रहे हो ना, उस दौरान आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको डेली थोड़ा वॉक जरूर करना है। थोड़ा कम से स्टार्ट करें, जैसे 10 मिनट आप पहले कर रहे हो वॉक, फिर उसके बाद उसको 15 मिनट करें, फिर 20 मिनट करें, इस तरीके से टाइमिंग को आप बढ़ाते जाएं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि एक साथ बहुत ज्यादा नहीं चल पाते हैं, तो आपको इसकी हैबिट बनानी है, यानी कि थोड़ा सा शुरुआत करनी है और फिर उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते जाना है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि जब आप पानी पीते हो ना, तो आपकी जो भूख है ना वो कम होती है, आपका पेट भरा रहता है, तो आप ओवर ईटिंग से बचते हो। और बहुत ज्यादा मोटापा है ना, तो खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखें, मीठा थोड़ा अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, खासकर वेट लॉस के दौरान तो अवॉइड जरूर करें। अगर आपका एक बार अच्छे से वेट लॉस हो जाता है ना, उसके बाद एक दिन आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिसको चीट डे भी बोला जाता है, और उस दिन आप खा सकते हो। बाकी डेली बेसिस पे अगर आप जंक फूड खा रहे हो ना, तो उसको तुरंत ही बंद कर दीजिए। अब देखिए, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली खा रहे हैं, बहुत मीठा खा रहे हैं, तो अगर आप पतला होने के लिए ना दवाइयों का भी इस्तेमाल करोगे ना, फिर भी आप पतले नहीं होगे, अगर आप ये सब चीजें नहीं छोड़ोगे तो। डेली बेसिस पे खाना बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, अगर आप कभी कभार खा लेते हो ना तो चल जाता है, लेकिन डेली बेसिस पर कुछ भी ऐसी अनहेल्दी चीजें ना खाए, घर का खाना ही खाए। जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर डाइट फॉलो करें, अगर आप घर का भी पौष्टिक और हेल्दी खाना खाते हो ना, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आपका वेट लॉस भी तेजी से होगा। बस कुछ चीजें आपने बताई, जैसे कि आपको वॉक करना है रोजाना और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, बस उसका भी आप ध्यान रखोगे ना घर का खाने के साथ साथ, तो भी आपका तेजी से वेट लॉस होगा। और ये रेमेडी तो हम आपको बता ही रहे हैं, जिसको लेने से आपका फैट बहुत ज्यादा तेजी से बर्न होगा। और देखिए, यहाँ पे है ना अजवाइन की मात्रा हमने सौंफ और जीरे से कम ली है, क्योंकि अजवाइन है ना उसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में उसका सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में अजवाइन का सेवन करते हैं तो उससे अल्सर की परेशानी हो सकती है। तो हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, इसीलिए हमें सही मात्रा में चीजों को लेना जरूरी है, ताकि हमें फायदा हो नुकसान ना हो। तो इसको हमने थोड़ी देर भून लिया है, जैसे कि हमने कहा था कि बहुत ज्यादा देर तक हमें इसको भूनने की जरूरत नहीं होती है। देख सकते हैं इसमें चटकने की आवाज आने शुरू हो गई है, तो बस इतना ही हमें भूनना है, इससे ज्यादा हमें भूनने की जरूरत नहीं है। गैस को ऑफ कर देंगे और कुछ सेकेंड है ना इसको इस तरीके से आप चला लीजिए गैस से हटाकर, ताकि जो आपकी सारी चीजें है ना वो जले ना। लगातार चलाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सेकेंड चलाए, उसके बाद इसको आप छोड़ सकते हो ठंडा होने के लिए। तो ये सभी चीजों को हमने ठंडा कर लिया है, मिक्सर जार लिया है, इसमें हम इसको डाल देंगे। इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, इसे आप पाउडर बोले चूर्ण बोले, लेकिन ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है वेट लॉस के लिए। एक साथ इस तरीके से ढेर सारा बना के आप इसे किसी भी एयरटाइट डब्बे में रख सकते हो। तो हमने जो कहा था ना कि 2 इंग्रेडिएंट हम बाद में आपको बताएंगे, तो ये हमने लिया है 1 चम्मच काला नमक। काला नमक भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है गैस, एसिडिटी, कब्ज के लिए, पेट एकदम साफ रहता है, इससे कॉन्स्टिपेशन की परेशानी दूर होती है, पेट में गैस नहीं बनती है, अगर आपको ब्लोटिंग से होती है, पेट फूल जाता है उसकी वजह से, तो वो सारी परेशानी इससे दूर हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो काले नमक का सेवन ना करें। तो इसको हम इसमें मिक्स करेंगे, आप चाहे तो मिक्सर में जब हमने पीसा ना उसके साथ भी आप नमक को डाल सकते हो। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस इसको हमने मिक्स कर लिया है। तो सबसे मेन चीज कि इसको हमें लेना कैसे है, तो करना क्या है, आपको लेना है 1 ग्लास गुनगुना पानी। ध्यान रखें, गुनगुना पानी ही लेना है, ठंडा या फिर नॉर्मल पानी नहीं लेना है। ये हमने लिया है 1/2 नींबू। तो नींबू को आपको पानी में पूरा निचोड़ देना है। तो नींबू भी जो है ना तेजी से वेट लॉस करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, स्किन बाल बहुत ही अच्छे होते हैं इससे। अगर आपको ब्लोटिंग रहती है, पेट फूला फूला रहता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो सभी चीजों के लिए नींबू बहुत ज्यादा फायदेमंद है।
तो ये जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं ना वही चम्मच हमें लेनी है, आधा चम्मच हमें ये पाउडर को लेना है। और इसको पहले आपको ले लेना है पाउडर को, और उसके बाद आपको ये पानी को इसके ऊपर पी लेना है। अब लेना कब है ये भी जान लेते हैं। तो आपको ना इसको लेना है रात को सोते वक्त, यानी कि आपको रात को डिनर कर लेना है और उसके एक घंटे बाद इसका सेवन करना है। इसको लेने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया, अगर सेम तरीके से आप ये रेमेडी को लेना शुरू करेंगे ना, तो जो जो चीजें हमने बताई है, जैसे कि बेली फैट, बॉडी फैट, गैस, एसिडिटी, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो बहुत ही यूजफुल रेमेडी है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा सी पसंद आई, यूजफुल लगे, तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमेंट हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, कितना आपको बेनिफिट हुआ, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हमको मिलेगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।